दोस्तों स्वागत है आपका द जियो नॉलेज की एक नई वीडियो में। दोस्तों भारत को एक बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। कतार ने हिरासत में लिए 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर्स को रिहा कर दिया है जो कतार में जासूसी के आरोपों का सामना कर रहे थे। उन्हें मौत की सजा भी सुनाई गई थी। भारत के अनुरोध करने पर उनकी सजा को कतार के अमीर ने पहले ही कम करके उम्र कैद में बदल दिया था। इन एक्स नेवी ऑफिसर्स पर इसराइल की ओर से कतार में स्टेल्थ सबमरीन की जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। इन आरोपों को कतार ने कभी भी सार्वजनिक नहीं किया। दोस्तों 8 में से 7 एक्स नेवी ऑफिसर्स भारत लौट आए हैं। ये 8 लोग कुछ ही साल पहले इंडियन नेवी से रिटायर्ड हुए थे और कतार की अल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर रहे थे। अल दाहरा कंपनी QENF यानी कि कतरी एमिरी नेवल फोर्स को ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस जैसी डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये एक्स ऑफिसर्स यहाँ 4 से लेकर 6 साल से यहाँ काम कर रहे थे। इसके बाद अक्टूबर 2022 में कतर की राजधानी दोहा में भारत के राजदूत और मिशन के उप प्रमुख ने 8 नौसैनिकों से मुलाकात की। गिरफ्तार होने के बाद यह पहली बार था जब उन्हें काउंसलर एक्सेस दिया गया था। दोस्तों अपने एम्प्लॉइज के गिरफ्तार होने की खबर मिलने के बाद अल दाहरा ग्लोबल के CEO खामिस अल आजमी अपने अधिकारियों को बाहर निकालने के लिए उनसे मिलने आए, लेकिन उन्हें खुद भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया। करीबन 2 महीने बाद उन्हें जमानत मिलने पर रिहा कर दिया गया। दोस्तों मार्च 2023 में इन एक्स नेवी ऑफिसर्स की ओर से डाली गई आखिरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई और इनके खिलाफ आरोप दायर किए गए। कतरी कानून के तहत मुकदमा शुरू हुआ। इसके बाद मई 2023 में अल दाहरा ग्लोबल कंपनी ने दोहा में अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए और सारे एम्प्लॉइज घर लौट आए, जिनमें से अधिकतर भारतीय थे। दोस्तों अगस्त 2023 में जाकर गिरफ्तार किए गए एक्स नेवी ऑफिसर्स को कुछ राहत मिली और उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से निकालकर जेल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ एक सेल में 2 लोगों को रखा गया। अक्टूबर 2023 को खबर आई कि अदालत ने सभी 8 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। इसे सुनकर भारत को एक बड़ा झटका लगा। दोस्तों अक्टूबर के अंत तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस मामले का संज्ञान लिया और इंटरवेन करना शुरू किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सजा पाए लोगों के परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिया कि सरकार उनकी रिहाई के लिए सभी प्रयास करेगी। नवंबर 2023 को भारत को एक और काउंसलर एक्सेस दिया गया। विदेश मंत्रालय ने अपना स्टेटमेंट दिया कि उसने एक अपील दायर की है। दिसंबर 2023 में कतार की अपील अदालत ने मौत की सजा को कम कर दिया। इसके बाद उन नेवी ऑफिसर्स के भारत लौटने के रास्ते खुल गए। दरअसल कतर और भारत के बीच हुए 2015 के द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत कोई भी कैदी अपनी होम कंट्री में अपनी सजा को काट सकता है। इसके बाद फरवरी 2024 में कतर ने 8 लोगों को रिहा कर दिया और उनमें से 7 लोग भारत लौट आए हैं। दोस्तों भारत सरकार ने गिरफ्तार एक्स नेवी ऑफिसर्स को इस दौरान हर संभव सहायता दी थी। इस मामले को डिफरेंट डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल्स पर उठाया भी गया था और भारत और कतार आपस में जुड़े रहे। दोस्तों कतार अदालत के इस फैसले को भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, क्योंकि यह फैसला दुबई में पीएम मोदी और कतार के अमीर की मुलाकात के कुछ हफ्तों के बाद आया है। दरअसल दिसंबर 23 में दुबई में हुए COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ मुलाकात की थी। दोस्तों 15 फरवरी को मोदी UAE और कतर के दौरे के दौरान कतर के अमीर से वापस मिले और इंडियन कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया भी कहा। दोस्तों कतर में एक्स ऑफिसर्स की रिहाई की यह घटना सिर्फ डिप्लोमेटिक जीत ही नहीं बल्कि वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के बढ़ते प्रभाव की भी है, जो बताता है कि आज की तारीख में कोई भी देश भारत के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहता। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद।